ये गलत। हमारा क्या फायदा होता है हमको ये चंद्रबाबू चढ़ने से, हमको आप जनता को क्या फायदा है? हमारा देश जब आजाद हुआ जब से कांग्रेस सरकार गरीबों के हित की रही है। राजस्थान में तो गहलोत ने काम किया है और आगे करेगा काम, काम बोलता है। भ्रष्टाचार तो सभी सरकारों में, कौन सी सरकार ऐसी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? अच्छा, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, आप ले लो, जैसो राजस्थान में नेता ही नहीं। गरीब आदमियों को भरपेट अनाज मिल रहा है, रसोई गैस चालू कर दे के किसी गरीब पे होटल पे रोटी निखाई जाए तो वो 8 रुपए में भरपेट रोटी खा सकते, ये अच्छी अच्छी सुविधा है जो जिसने मांगा। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, मैं राजस्थान में हूँ। अभी राजस्थान के कई सारे विधानसभा और कई सारे जिला की खबर आपको लगातार मैं देते आ रहा हूँ। अभी ये राजस्थान का करौली जिला है, यहाँ पे दो चार बुजुर्ग चाचा ताऊ बैठे हैं यहाँ पर और बात करते हैं लोग। क्यों चाचा जी, इस बार राजस्थान का माहौल क्या है बताओ? वैसे माहौल तो बढ़िया है, बीजेपी का बढ़िया है, बीजेपी का माहौल बढ़िया है, बढ़िया है। तो चलिए एक चीज बताना, ये अशोक गहलोत जी ने तो बहुत सारे काम, बहुत अच्छी गल, बहुत योजना निकाल रखी है। यहाँ ग्राउंड जीरो यहाँ तक जमीन पर पहुंची नहीं पहुंची कुछ योजनाएं? हाँ चल रही हैं, चल रही हैं, कछु चल रही है। अब कहूँ और भैया मालूम नहीं है, जो अटक रही होंगी तो अध पर अटक रही होंगी। अच्छा अच्छा, तो गहलोत जी ने बढ़िया काम किया, बढ़िया काम कर। अच्छा ये चीज बताना, अभी कांग्रेस की सरकार थी तो कर्ज वर्ज की बात हो रही थी, राहुल गांधी जी बोले थे माफ वाफ हुआ नहीं भाई? कुछ नहीं हुआ, कर्ज नहीं माफ हुआ? अच्छा नहीं, कोई माफ नहीं है। अब कर जाएगा भैया माफ? तो पता नहीं, अभी तो नहीं माफ हुआ वर्तमान, अभी तो माफ है तो नहीं। वैसे 15,000 करोड़ की बात हो रही थी कि माफ किए थे वो, कोई बैंक से भी कर्जा लेते हैं 10-20 हज़ार, क्या दो राजस्थान में दो कर्जा चलता है क्या? एक तो KCC हो गया और एक दूसरा कर्जा भी कोई चलता है, सहकारी समिति। तो सहकारी समिति वाला कर्जा माफ हुआ है? आपका क्या, आपका इधर से आपका क्या मूड है इस बार किसकी सरकार बनाने का मन? इसकी सरकार रिपीट होगी, कांग्रेस रिपीट। कांग्रेस में अभी तक ये रहा है राजस्थान में कि 5 वर्ष बीजेपी सरकार आती है, 5 वर्ष आती है कांग्रेस, तो इस बार क्या रिपीट का? हाँ आपकी रिपीट होगी, क्योंकि आपके अच्छे काम किए गए हैं। क्या अच्छे काम कर दिए कांग्रेस? बहुत सी योजना की है। कुछ आप लोगों को फायदा मिला कुछ बताएंगे? नहीं, फायदा बहुत मिला है, गरीब आदमियों को भरपेट अनाज मिल रहा है, रसोई गैस चालू कर दे के किसी गरीब पे होटल पे रोटी निखाई जाए तो वो 8 रुपए में भरपेट रोटी खा सकते, ये अच्छी अच्छी सुविधा है। जो जिसने मांगा वो उसने दिया, जो जिसने मांगा वो सब दिया, सब दिया। जो जिस डिस्ट्रिक्ट ने या कलेक्ट्रेट ने या जिले ने मांगा कि हमें PG कॉलेज चाहिए तो ले PG कॉलेज। अच्छा। किसी ने कही कि हमारी पंचायत समिति होनी है। हाँ। तो वह पंचायत समिति हो गई, तहसील बनवाई। तो तहसील कॉलेज वगैरह बहुत सारे बन गए, बाइक गिर गए। हाँ। बने हैं सब यहाँ। हाँ। आपके यहाँ कुछ बना अस्पताल वगैरह कुछ बना? हाँ, हमारा अस्पताल बना है, नया कॉलेज बन रहा है PG। अच्छा। हाँ, इधर भी एक बन रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो इस बार पूरा प्लान है गहलोत सर? हाँ, पूरा प्लान है। तो क्या बात है बीजेपी वालों को, क्या बात? बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि अच्छा करेंगे, हम आएंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि यहाँ रैली में आए तो बोले थे हम बढ़िया करेंगे। बीजेपी वाले अच्छा तो करते हैं। हाँ। पूरी राजस्थान में 25 सीट ही सांसद की। हाँ। 25 सीट दे दी। अच्छा। बीजेपी को। हाँ। लेकिन आज तक 2500 MP ने कोई राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया। हाँ। इसे कैसे हो सकता है, काम नहीं हुआ? हाँ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। हमारा जो जिले का वो है मनोज राजौरिया के, मैं जगर बांध में 5 लीटर का पानी ला दूंगा। हाँ। आज तक उसने नो नहीं देखा कि कहाँ है पानी। आपने 5 साल में उन्हें देखा नहीं? देखा। हाँ। कभी आयो नहीं, आवे तो कोई नहीं कहा था वो नितन पास। अच्छा। हमारे गांव में तो वहाँ कोई ऐसा काम कराया नहीं सार्वजनिक। हाँ। 5 साल में 5 मिनट। अरे वो मतलब ये भी बीजेपी वाले बोले हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे, तो यहाँ किसानों के लिए कुछ? किसानों के लिए कोई काम नहीं किया हमारे सामने, कोई काम नहीं? नहीं, कोई काम नहीं किया। तो इस बार पूरा प्लान, किसान गए यहाँ से आंदोलन करे तो 70 आदमी मर और गए किसान में। अच्छा, यहाँ से 17 लोग? नहीं, सभी गए। हाँ, थे हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, तो इस बार प्लान पूरा है कि राजस्थान में फिर से रिपीट हो? फिर से रिपीट होगी। अच्छा, एक चीज और बड़ा आ रहा है भ्रष्टाचारी का, और वो बड़ा लग रहा है, क्यों ताऊ जी? आप बताओ, आपकी उम्र इतनी है, कई सारे विधानसभा आपने देखी, क्या लगता है इस बार की परिवर्तन होगा कि रिपीट होगी सरकार? रिपीट होगी। ऐसा क्यों रिपीट होने के मतलब क्या सोच लिया? नहीं भाई, अब हमारे पूरे प्लान है रिपीट होगी, जो आ गया पब्लिक को या नहीं कह सके। अच्छा अच्छा, पूरे प्लान है रिपीट। हाँ। बढ़िया काम किए गहलोत जी ने? बिल्कुल बढ़िया किए। अरे तो ये भी तो बीजेपी पे आरोप, जैसो राजस्थान में नेता ही नहीं। अरे भाई, ये गहलोत जैसा कोई नेता ही नहीं है? कोई नेता नहीं है गहलोत जैसा। खुद के स्वार्थ नहीं देखा कभी, खुद का स्वार्थ नहीं देखा, ना इसने जाति पक्ष किया, जात पक्ष नहीं किया, नहीं आज तक नहीं किया इसने जाति पक्ष, सबको समान लेकर चलता है।
अच्छा एक और इसमें लगता है बड़ा आरोप इनके ऊपर लगता है कि भ्रष्टाचार ही बहुत के जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं बहुत। तो कौन सी सरकार में नहीं है। अच्छा अरे आपसे ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात आपसे ही करते ठीक। अरे आप भी बैठोगे। भ्रष्टाचार तो सभी सरकारों में, कौन सी सरकार ऐसी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, आप ले लो, सपा ले लो। की तो बात ना करो, आप तो सबसे ईमानदार पार्टी है, क्या बात कर रहे हो आप। वो जेल में क्यों पड़े हैं फिर आपके। अभी भी तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हमसे ईमानदार नेता भारत में कोई नहीं तो है। उनके फिर मंत्री वगैरह वो जेल में क्यों पड़े हुए हैं। वो तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले फंसा दिए उन्हें। और ये तो ऐसा ही होता है, कहीं बीजेपी वाले फंसाते हैं, कहीं आप वाले फंसाते हैं, कहीं कांग्रेस वाले फंसाते हैं। अच्छा। राजस्थान में तो गहलोत ने काम किया है और आगे करेगा काम। काम बोलता है, काम बोलता है। हाँ तो इस बार फिर रिपीट होगी सरकार। बिल्कुल 100% रिपीट होगी। बिल्कुल। अरे इनके ऊपर ये भी बड़ा। हाँ एक बात और कहूंगा, केंद्र में मोदी की रिपीट होगी। केंद्र में मतलब ये बड़ी खूबसूरती बात है राजस्थान में कि प्रदेश में कांग्रेस चाहिए और सेंटर में मोदी जी मोदी जी, मोदी जी चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल। सेंटर में कहने में ऊपर से एक ही सरकार होना चाहिए। मोदी बनाएगा राजस्थान में। गहलोत के अलावा राजस्थान को चलाने वाला और कोई नहीं है, ना बीजेपी में, ना आप में, ना कोई और में। अच्छा मुख्यमंत्री है। अच्छा गहलोत। हाँ जी। अरे तो अभी बड़ा छापा वापा पड़ रहा है उनके विधायकों पे, पता है भ्रष्टाचारी में सब पड़े हैं। अब ये तो लगता है, ये तो देखो पार्टी पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। बीजेपी की सरकार होती यहाँ तो नहीं पड़ता, दब जाती बात है। अब ये कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रभाव है। अच्छा एक चीज और है, मतलब ये बोलते हैं राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्या लगता है कांग्रेस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं बता रहे हैं। महिलाओं के साथ यहाँ बड़ा दुराचार वगैरह होता रहता है। अब ये तो सभी जगह है साहब, देखो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सब जगह यही सिस्टम है। तो मुख्यमंत्री गहलोत जी को देखेंगे, मुख्यमंत्री ग्रुप में गहलोत अशोक गहलोत को ही देखेंगे, किसी दूसरे को नहीं देखेंगे। नहीं देखने को तो अब जो बनेगा उसको देखेंगे। आप लोगों का विचार गहलोत जी पर है। सभी लोगों का विचार है गहलोत जी पर। हाँ अच्छा। क्यों ताऊ जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पर। सरकार कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी। क्या है कांग्रेस सरकार में इसका मतलब बता रहे हो। अभी 5 साल ऐसा है। हाँ हमारा देश जब आजाद हुआ, हाँ, जब से कांग्रेस सरकार गरीबों के हित की रही है। अच्छा हाँ। अच्छा एक चीज बताना, एक छोटी। हाँ देखो कांग्रेस सरकार आजाद हुआ जब से कांग्रेस सरकार, हाँ, और गरीबों के हित की रही है। हाँ। और मतलब महात्मा गांधी इसके महान आत्मा से ही वास्तव में कांग्रेस सरकार बनी हुई है। अच्छा पहले भूमि इन्होंने को जमीन दी, गरीबों को दी, हाँ, और पेंशन बार बड़े बूढ़ों को, जैसे अब बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को पेंशन चालू है, ऐसे हाँ, पहले गरीबों को हित में, हाँ, और मतलब सबके लिए जमीन दी थी कांग्रेस ने। हाँ, और कांग्रेस का ही मतलब जनता पे ध्यान रहता है। हाँ, वह कि अपने बापन रहता है कि मैं मतलब मैं राजा आ जाऊँ, मैं राजा नहीं, सब पे ध्यान रहता है कि समाज सुखी रहे सब जनता। अरे तो ये मोदी जी तो ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो बोल रहे हैं सबके साथ हैं। और आप कांग्रेस की बात बोल रहे हैं तो कांग्रेस जब से अध्यक्ष आजाद हुआ 1950 की बात ही आती है, लेकिन गरीबी तो आज तक हटी नहीं, गरीबों के लिए काम कर रही, फिर कैसे काम करे जो गरीबी नहीं हटे। देखो जी सुनो, गरीब देखो साहब हमारा बहुत पहले बहुत पिछड़ा देश था, जब भी बहुत ऊंचा होगा यहाँ। अच्छा अरे तो ये तो बोल रहे हैं कि जब से मतलब जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक देश का कुछ, हमारी बात सुन लो, देश का कुछ नाम नहीं था, अब जब से मोदी जी आए तब से देश का डंका बज गया। मोदी आया अब या का मतलब ही थोड़ी है कि मोदी आया नोटबंदी कर दी और फिर बदल करके नहीं। और पहले हमारे पिछले चुनाव में हमारे कई राज्यों में कांग्रेस सरकार थी और गिरा गिरा के ना नोट खरीद खरीद के नहीं अपने बहुमत बना लियो और नोट बदली करके नहीं और काले धन को काले धन वापस लांगो, काले धन को और ज्यादा कालो धन कर दियो, सफेद को काला बना के नहीं और इकट्ठो अभिमान कर दियो। अरे कांग्रेस की बात आप राजस्थान में कर रहे हैं, राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने बड़े वादे किए थे कि किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, महिलाओं को 50% किराया हो जाएगा, महिला सुरक्षित हो जाएंगे, स्कूलों में लड़कियों की फीस माफ हो जाएगी, तो ये सब तो सब कुछ हो रहा है। हाँ हो रहा है। देखो 33% औरत के जो छूट है, किराए में भी छूट है और लड़कियों की फीस माफ है। और आपने क्या बोले,
किसानों के लिए, हाँ किसानों के लिए कर्जे माफ किए हैं। अरे तो जो इधर ये किसान मतलब सहकारी समिति माफ हो गया, और दूसरा वाला तो माफी नो जिसमें ज्यादा गरीब, ज्यादा गरीब की क्या है ये बताओ। आज दुनिया में तो ज्यादा कितने कर कर के नहीं बेगरीब नहीं है, धनाढ्य जो केसीसी उठा रहे हैं, धनाढ्य वे दो केसीसी बड़ी बड़ी केसीसी उठा के नहीं और अपने माल बना रहे हैं। अरे तो ये भी तो बोल रहे हैं, यहाँ मैं कवरेज करता हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि भैया बच्चों को पढ़ाने में पूरी जमीन बेच दी लेकिन नौकरी लगी नहीं, कहाँ पेपर अब नौकरी निकलती है, पेपर होने से पहले पेपर लीक करवा देते हैं कांग्रेस के नेता, तो अब बताओ इसमें कहाँ विकास हुआ भाई। कांग्रेस के नेता नहीं करवाते हैं, हाँ। ये तो देखो सभी 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 जगह सभी सुनो, अरे सभी जगह भ्रष्टाचार है, ये मेटा नहीं। एक मिनट, आप समझते तो हम भ्रष्टाचार तो क्या सभी जगह, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए। देखो सरकार ने तो दंड तो दे रहा है उनको। अच्छा दंड दिया है, अरे हमें तो नहीं लगा किसे दंड दे दिया। जो भी पाए गए हैं भ्रष्टाखोर में, हाँ। उनको जेल भिजवा दिया, अच्छा। जांच, लेकिन फिर भी पेपर लीक होना बंद नहीं हुआ। राजस्थान में 15 बार, राजस्थान में 15 पेपर लीक हुए हैं। अरे पेपर क्या, भ्रष्टाचार को कौन बंद कर देगा, सरकार बंद करेगी नहीं, कर मोदी ने अब तक नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में योगी ने तो कोई सवाल नहीं है। भ्रष्टाचार तो बंद नहीं हो सकते हैं, हाँ। हल्के मोटे चलते ही हैं, सभी जगह चलते हैं। तो इस बार कौन आदमी जो जो मोदी जी को कह रहे हैं हम, ये पहले वायद उसको देखो है ना, जो बिल्डिंग बने से पहले बिल्डिंग बने नीम खांसे लगी हुई है, इस बिल्डिंग की नीम मकान की खांसी लगी हुई है, ईंट की मुड़गरी चमक कर रही है, चंद्रमा पे चढ़ गई है, अच्छा हाँ चल रही है, ये गलत। हमारा क्या फायदा होता है हमको ये चंद्रमा पे चढ़ने से, हमको आप जनता को क्या फायदा है। अरे काहे नहीं, नाम नाम पे हिंदू बहुत फायदा है, हिंदू मुसलमान पे आप उसमें झगड़ा। अच्छा हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है आप बताओ, भाजपा वाले कर रहे हैं कांग्रेस वाले, भाजपा वाले कर रहे हैं, कांग्रेस मुसलमान को मारो और हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हिंदू उनको बनाओ भजाओ। अरे भाई सुनो, आप ऐसा बोल रहे हैं, एक मिनट हमारी जियो और जिन दो। अरे ताऊ जी एक मिनट हमारी बात सुनो, जनता में अरे एक मिनट हमारी बात सुन तो लो भाई, ऐसा कौन बीजेपी वाला नेता हमें बता दो जिसने बोला हो कि मुसलमानों को मार करके भगा दो, अभी तक तो ऐसा किसी स्टेटमेंट हमने सुना नहीं है। ऐसा ही संकेत पड़ रहे हैं वाकई, तो संकेत अब हम यहाँ एक मिनट हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई बोल दे भैया तुम ये कर रहे हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और एक बात, ये हमारी बात सुनिए आप, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जिसे अभी जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तो ये बोल रहे हैं जाति का जड़गणना होना चाहिए, तो जातियों में ही बांटने का काम कर रहे हैं, हाँ। तो वो हाँ। सही है, वो सही है, जाति गणना करके ना ही, हाँ। अपने गरीब और लखपति सबको देख के ना ही और स्थिति साफ कर आरक्षण दे। क्यों नहीं कर रही के ओबीसी जो है, ओबीसी हिंदुस्तान के अंदर में 52% है, लेकिन मोदी जी ने ये स्वर्ण जाति को 10% बिना आंदोलन कैसे बढ़ा दिया, और ओबीसी की कोई सुनता नहीं, मतगणना करवा में तो तैयार नहीं होता है। अच्छा ये बात है, ओबीसी जो फ्री हुई है, और पहले बीजेपी सरकार को मतलब है कि पहले राजा राजा ही रहेंगे और फकीर फकीर रहेंगे, हमारे मजदूर करते रहेंगे, ऐसा बीजेपी का सोच है। और कांग्रेस का एक समान बनाने का प्रश्न है। अच्छा कैसे एक समान बनाने का, मतलब हमें कुछ बताओ, हम आपकी उम्र इतनी, हम अभी बच्चे हैं, समझाने थोड़ा बताएंगे आप कैसे एक समान बन जाएंगे। नारा तो मोदी जी भी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, नारे से मतलब नहीं होता है, नारे से कुछ नहीं होता है। अच्छा तो ये यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, यहाँ पर पूरा फिक्स है, पूरा फिक्स है, कांग्रेस सरकार बनेगी। अच्छा जी, राजस्थान से, राजस्थान में, राजस्थान।